सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय कक्षा 11 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, इस बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय कक्षा 11वीं के लिए जो एडमिशन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सभी लोग वीडियो के कमेंट में बोल रहे हैं कि कक्षा 11वीं की जो एडमिशन प्रक्रिया है उसके बारे में भी बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन शेड्यूल ये दिखा देते हैं। तो जो पैरा नंबर, इसमें जो कॉलम नंबर 9 है, इसमें आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण। तो इसमें लिखा हुआ है कब से शुरू होंगे, विद इन ए वीक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय की जो कक्षा 10 के जो छात्र हैं उनका जो रिजल्ट है उसके डिक्लेरेशन के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जो है एडमिशन शुरू हो जाएंगे, पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है केवी के छात्र छात्रा कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश, यानी कि उनकी जो सिलेक्शन लिस्ट और जो जिनको कि एडमिशन दिया जाएगा उनकी जो एडमिशन की डेट है वो कब है, विद इन 2 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। यानी कि 2 सप्ताह के भीतर, 2 हफ्ते के भीतर उनकी एक सूची भी जारी की जाएगी और उनको एडमिशन भी दिया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो केंद्रीय विद्यालय में जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनके बारे में है। अब इसमें दूसरा जो गैर केंद्रीय विद्यालय, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, जिन्होंने 10वीं पास किसी और बोर्ड से या किसी और विद्यालय से की है 10वीं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है। तो इसमें लिखा हुआ है कक्षा 11वीं प्रवेश के लिए पंजीकरण, प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश कब शुरू होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि रिक्तियां होने की स्थिति में, यानी कि जो कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं केंद्रीय विद्यालय के, जब वो 11वीं में एडमिशन ले लेंगे और उसके बाद कोई सीटें खाली रह जाती हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो उसके बाद उनका जो प्रवेश और उनकी जो सूची होगी वो कब जारी की जाएगी, तो आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। यानी कि जो क्लास 10th में जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है 10th का, उनके एडमिशन के बाद उनकी जो सूची जारी की जाएगी, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय 11वीं के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा उनकी तब लिस्ट जारी की जाएगी, वरना उनकी लिस्ट जारी नहीं की जाएगी अगर सीटें खाली नहीं रहती हैं। तो इस तरह से दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, कक्षा 11 सहित सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 15/9/2020 रखी गई है, ट्यूजडे। तो ये आप देख सकते हैं। और अब दोस्तों, आपको मैं गाइडलाइन के हिसाब से बता दूं कि जो कक्षा 11वीं है उसमें प्रवेश की पद्धति क्या है। तो केंद्रीय विद्यालय छात्रों के लिए, सबसे पहले तो इसमें जो केंद्रीय विद्यालय के जो वर्तमान जो छात्र हैं उनके लिए क्या इसमें प्रवेश की पद्धति है, केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में विभिन्न वर्गों में, अर्थात जैसे विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी में प्रवेश कक्षा 10 में छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर लिया जाएगा। तो किस स्ट्रीम में कितने नंबर आपके होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए, तो साइंस अगर आपने लेनी है तो आपके 60% नंबर होने चाहिए 10th में, वाणिज्य वर्ग में न्यूनतम जो अंक होने चाहिए 55% अंक होने चाहिए, और मानविकी वर्ग के लिए केंद्रीय विद्यालय की जो कक्षा 10 के जो छात्र हैं जो पास हो रखे हैं सभी छात्रों को मानविकी वर्ग दिया जाएगा अगर उनको वाणिज्य और विज्ञान वर्ग नहीं मिलता है, यानी साइंस नहीं मिलती है तो आप वाणिज्य वर्ग ले सकते हैं, और अगर वाणिज्य वर्ग भी आपको नहीं मिलता है 55% से कम नंबर हैं तो आपको मानविकी वर्ग दिया जाएगा। दोस्तों, फिर केंद्रीय विद्यालय और उसके जो निकटवर्ती जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ के जो 10वीं के छात्र हैं, अगर उनका एडमिशन हो जाता है 11वीं में और उसके बावजूद अगर सीटें खाली रह जाती हैं, तो फिर गैर केंद्रीय विद्यालय जो हैं, गैर केंद्रीय विद्यालय छात्र जो होंगे उनको प्राथमिकता श्रेणी के अनुक्रम के उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ही फिर 11वीं में प्रवेश दिया जाएगा, जैसे कि जो आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 11वीं के लिए उसके आधार पे। और इस तरह से दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि अगर कभी ऐसा हो जाता है कि जो जैसे 11वीं में प्रवेश के इच्छुक जो पात्र जो बच्चे हैं स्ट्रीमों के लिए पर्याप्त संख्या में, विशेष तौर पर जैसे कि अलग अलग जो दूर के जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ अगर 60% नंबर आपके नहीं होते हैं तो विज्ञान वर्ग के लिए न्यूनतम जो है 55%, वाणिज्य वर्ग के लिए 50% ये किए जा सकते हैं। और ये जो प्राचार्य होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो क्षेत्रीय उपायुक्त से जो है विचार विमर्श करके या उनकी अनुमति के बाद ये कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों हमने आपको बता दिया है 11वीं का जो कैसे आपको एडमिशन मिलेगा और प्रक्रिया क्या है, और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जो रियायतें जो लागू होती हैं उनको भी आप यहाँ देख सकते हैं और ये लागू होंगी। जैसे कि अगर दो या दो से ज़्यादा उम्मीदवारों ने एक ही समान अंक प्रतिशत प्राप्त किए हैं तो ऐसे में छात्रों की आपस में योग्यता को निम्न अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जिस विद्यार्थी ने गणित में अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, अगर किसी के साथ एक जैसे ही नंबर अगर किसी के होते हैं तो कैसे उनको फिर एडमिशन दिया जाएगा, प्रेफरेंस कैसे मिलेगा। अगर दो या दो से अधिक विद्यार्थी के गणित में समान अंक हैं तो उन्हें गणित और विज्ञान के अंकों को मिलाकर अधिक अंक वाले को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी। अगर दो या दो से अधिक विद्यार्थियों के गणित और विज्ञान के अंक बराबर हैं तो जो उम्मीदवार उम्र में बड़ा है उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी। तो ये दोस्तों इस तरह से ये एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऐसी होगी। साथ ही इसमें एक और चीज़ नोट कर लें आप, प्राचार्य कक्षा 11 में गैर केंद्रीय विद्यालय यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय के छात्र नहीं हैं उन विद्यार्थियों का प्रवेश निर्धारित छात्रों की संख्या 40 तक प्रवेश दे सकते हैं। यानी कि केंद्रीय विद्यालय में जो कक्षा 11वीं में अगर कक्षा 10 के 35 विद्यार्थी हैं और 35 के 35 विद्यार्थियों को एडमिशन मिल जाता है तो उसके बाद जो 5 सीटें रह जाती हैं उन 5 सीटों में जो गैर केंद्रीय विद्यालय हैं उनके छात्रों को एडमिशन मिल सकता है। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के मामलों में यह संख्या सामान्यतः 55 तक की जा सकती है। यानी कि अगर केंद्रीय विद्यालय के ही छात्र अगर 55 हो जाते हैं या 40 से अधिक हो जाते हैं तो उनको एडमिशन फिर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका एडमिशन से रिलेटेड ये जानकारी आप जो इसकी गाइडलाइन है उसमें भी देख सकते हैं। और कक्षा 11 में जो रियायतें जो मिलती हैं कक्षा 11 में प्रवेश के लिए जो रियायतें मिलती हैं खेलकूद में, स्काउट गाइडिंग में, NCC और साहसिक कार्यक्रमों में, उसके भी यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ खेलकूद में, NCC में, स्काउट गाइड में और विज्ञान या वाणिज्य संख्या में प्रवेश हेतु साहसिक क्रियाकलाप यहाँ देख सकते हैं। अंकों में जो छूट मिलती है उसकी भी लिस्ट आप ये देख सकते हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग से संबंधित विद्यार्थियों को 11 में जो विज्ञान वाणिज्य संख्या में प्रवेश के लिए 4 जो प्रतिशत अंकों का उच्च यानी कि अपग्रेड दिया जाएगा, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ये कक्षा 11वीं की जो पूरी प्रक्रिया है और जो दिशा निर्देश हैं ये देख सकते हैं गाइडलाइन में, और शेड्यूल के अनुसार आपको बता दिया है हमने कि 11वीं में तभी एडमिशन मिलेगा जब सीटें खाली रह जाएंगी। और इसी तरह दोस्तों अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और 11वीं से रिलेटेड, 11वीं में एडमिशन से रिलेटेड या किसी और कक्षा से एडमिशन रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों इसी तरह केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।